Okay, so today we are going to solve the MCQ part of central tendency. चलिए सेट ए का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्स द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन. जब मैंने पहला क्लास का जो पहला पॉइंट लिखाया था वो यही लिखाया था कि एमओसीटी फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्स द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन. तो वन का आंसर बी होगा, वन का आंसर बी होगा. ओके, नेक्स्ट. While computing the AM from a group frequency distribution, we assume that आप देखेंगे group frequency distribution में class interval दिया रहता था, लेकिन class interval से mean कैसे निकलेगा? Mean के लिए तो हम लोग को x चाहिए, तो हम लोग क्या assumption लेते थे कि all values of the class are equal to the middle value of that class. जब group frequency distribution का जो sum आता है उसमें mid value निकालते हैं ना, वही तो एक assumption है, बाकी सब तो हम लोग normal करते ही है, है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़िए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग. नंबर ए, मीन इज रिजिडली डिफाइंड, ट्रू, ये रॉन्ग नहीं है. मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, फॉल्स, 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 क्योंकि मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन. मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन. क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर क्या होगा? बी. क्वेश्चन नंबर फोर देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. बोल रहा है Usually mean is the best measure of central tendency. सच्ची बात है. Median is the best measure of central tendency. No. Mode is the best measure. No. GM नहीं. तो आंसर क्या होगा? A. Mean is the best measure of central tendency. Mean is the best measure of central tendency. Mean is the best measure of central tendency. क्योंकि इसके पास mathematical properties है, easy to calculate है, इसीलिए मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी. बेस्ट मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, फाइव नंबर क्वेश्चन पढ़िए. फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन. ओपन एंड का मतलब क्या होता है? जब उसका लोअर क्लास इंटरवल का वैल्यू नहीं दिया रहता और हायर क्लास इंटरवल का वैल्यू नहीं दिया रहता है, तो जब ओपन एंड क्लासिफिकेशन होता है तब हम लोग एक्स नहीं निकाल सकते हैं. एक्स नहीं निकाल पाएंगे तो मीन नहीं निकाल पाएंगे. बचा क्या? मीडियन एंड मोड. बचा मीडियन एंड मोड, तो दोनों में से बढ़िया कौन सा? मीडियन. तो फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन बेस्ट क्या होगा? मीडियन. फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन बेस्ट मेजर इज मीडियन. फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन बेस्ट मेजर इज मीडियन. फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन बेस्ट मेजर इज मीडियन. द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डज नॉट अफेक्ट एएम, मीडियन, मोड, एनी ऑफ दिस. मैं बोलूंगा मीडियन. सर क्यों? क्योंकि मीडियन तो बीच वाले वैल्यू को कंसर्न करता है, उसको साइड वाले वैल्यू से मतलब ही नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो गया? मीडियन. द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डज नॉट अफेक्ट मीडियन. इन केस ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. देखो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? दो मिडिल टर्म होता है, तो दोनों तो आंसर हो नहीं सकता, कोई एक आंसर होगा. ठीक है, तो हम लोग क्या लेते हैं? उसका सिंपल एवरेज. हम लोग क्या लेते हैं? उसका सिंपल एवरेज. वही तो तुम करता है, ए प्लस बी बाई टू, सिंपल एवरेज. दोनों का सिंपल एवरेज लेते हैं हम लोग. सपोज करो आठ टर्म है, आठ टर्म का दो मिडिल टर्म होता है, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म. हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं? फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म होल डिवाइड बाई टू, तो उसको सिंपल एवरेज ही बोला जाता है. वेटेड एवरेज मतलब विद वेट्स, यहां वेट है ही नहीं. द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ए एम. The most commonly used measure of central tendency is AM. सबसे सिंपल है, बेस्ट है. Which of the following is not uniquely defined? सुनो मेरा बात ध्यान से. मीन का भी एक ही आंसर होता है. यूनिकली डिफाइंड मतलब एक आंसर. तो मीन का एक ही आंसर होता है, मीडियन का भी एक ही आंसर होता है, लेकिन मोड का एक से ज्यादा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसीलिए मोड आंसर होगा. मोड इज नॉट यूनिकली डिफाइंड. मोड इज नॉट यूनिकली डिफाइंड. तो इसमें आप रीजन लिख सकते हो, बिकॉज मोड कैन बी नन और वन और टू और मोर देन टू. मोड का आंसर नहीं भी आ सकता है
और आएगा भी तो एक से ज्यादा भी आ सकता है. मोड आंसर कैन बी देयर और नॉट, एंड इफ इट इज देयर इट कैन बी मोर देन वन. जब एक से ज्यादा मोड होता है, दो मोड होता है तो उसको बाई मोड बोलते हैं, बाई मॉडल बोलते हैं, और दो से ज्यादा होता है तो मल्टी मॉडल बोलते हैं उसको. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट. जीएम, जीएम ये सब मैंने थ्योरी में लिखाया है आपको, आप पढ़िएगा. अगर आपको एवरेज रेट निकालना है तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम लोग जीएम एचएम दोनों यूज कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जीएम एंड एचएम दोनों यूज कर सकते हैं. मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशन होता है डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज थ्री टाइम्स. डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज थ्री टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन. तो ये आंसर है. सर याद कैसे रहेगा, टेक्निक लिखो. मीमो इक्वल्स टू थ्री मीम, मीमो इक्वल्स टू थ्री मीम. मीमो, मीमो मतलब मीन मोड, इक्वल्स टू थ्री मीम. थ्री मीम मतलब मीन मीडियन. टेक्निक याद रखो, लेफ्ट हैंड साइड में मीमो है, इधर में थ्री मीम है. मीमो इक्वल्स टू थ्री मीम. अरे थ्री तो कांस्टेंट है, क्या होता है, क्या है मीन माइनस मीडियन. मीन माइनस मोड इक्वल्स टू थ्री, ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन. हम लोग वेटेड एवरेज कब कंसीडर करते, जब डेटा नॉट क्लासिफाइड नहीं, द डेटा पुट इन ग्रुप नहीं, जब सारा ऑब्जर्वेशन का इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होता, तब किया जाता है वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज आर कंसिडर्ड व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. ठीक है. 14 नंबर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा बच्चा गलती करके आएगा. सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलेगा, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन बोलेगा तो आंसर होगा ए. अगर सेट ऑफ पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन बोलेगा तो आंसर ए होगा. सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन बोलेगा तो आंसर सी हो गया, क्योंकि ए एम बड़ा होता है, उसके बाद जी एम, उसके बाद एच एम. अगर सिर्फ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलता तो आंसर ए होता. यहां पे सेट ऑफ डिस्टिंक्ट बोला है तो ए एम बड़ा ही होगा, उसके बाद जी एम, उसके बाद एच एम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ फर्म रजिस्टर बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कंसिडर्ड. जीएम में हम लोग रूट यूज करते हैं, एंड रूट के अंदर में अगर कोई भी नेगेटिव नंबर आता है तो वो इमेजिनरी हो जाता है. इसीलिए जब प्रॉफिट एंड लॉस का बात आ रहा है, लॉस मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो हम लोग जीएम नहीं यूज कर सकते. हम लोग जीएम नहीं यूज कर सकते. हम लोग जीएम नहीं यूज कर सकते. क्वार्टाइल चार पार्ट में बांटता है, क्वार्टाइल ओजाइव से निकाल सकते हैं, और इन चारों के तीनों के पास मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होता है. सर कैसे, तुम कंबाइंड एएम निकाल सकता है, कंबाइंड जीएम निकाल सकता है, कंबाइंड एचएम निकाल सकता है. क्वार्टाइल चार पार्ट में बांटता है, डेसाइल 10 पार्ट में बांटता है, और परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट में बांटता है. क्वार्टाइल तुम ओजाइव से निकाल सकता है, अगर ओजाइव का डायग्राम बनाया गया तुम क्वार्टाइल का आंसर निकाल सकता है. और मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ए एम जी एम एच एम तीनों के पास में है, ऐसा नहीं है खाली ए एम के पास, जी एम के पास में भी है और एच एम के पास में भी है. तुम कंबाइंड जी एम निकालता है ना, कंबाइंड एच एम निकालता है ना, तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर सेटिस्फाई अ लीनियर रिलेशनशिप. ऑल ऑफ दिस इफ वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाला चीज बता रहा है, तो तीनों मेजर क्या करता है, लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करता है. बेस्ड ऑन ओनली 50% मतलब मीडियन. मीडियन तो मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है. मीडियन तो मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है. ठीक है ये वाला पक्का तो. हाँ
चलिए तो थ्योरी क्वेश्चन ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. सेट बी, इफ देयर आर थ्री ऑब्जर्वेशन देन सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एएम. पहला बात तो सुनो, प्रॉपर्टी अगर पढ़ा होगा ठीक से एएम का तो क्या लिखा है थे कि सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एएम इज जीरो बाय प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी में साफ साफ लिखा है, आप पढ़ेंगे नहीं घर जाके तो कैसे होगा. सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज जीरो. प्रॉपर्टी नंबर डी, एएम का प्रॉपर्टी नंबर डी में मैंने ये लिखाया था पॉइंट कि सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज जीरो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू में क्या मीडियन निकालने बोला है. तो पहले आप छोटा से बड़ा अरेंज करिए, 4, 5, 6, 8, 9, 11 छोटा से बड़ा अरेंज कर दिए. अब बीच का दो वैल्यू कौन कौन सा है, 6 और 8. तो हमको इन दोनों का क्या निकालना है, एवरेज. अभी थ्योरी में भी हम लोग पढ़े थे, अभी हम लोग थ्योरी में भी पढ़े थे छोटा से बड़ा अरेंज कर दो, जो मिडिल टर्म है उसको सर्कल करके या अंडरलाइन करके अलग से मार्क कर लो और उस दोनों का फिर एवरेज. ठीक है, मॉडल वैल्यू किसको बोलते हैं, जो सबसे मैक्सिमम टाइम आता है उसको बोलते हैं. तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 10 दो बार आ रहा है, बाकी सब एक एक बार आ रहा है, लेकिन 10 एक ऐसा वैल्यू है जो दो बार आ रहा है. तो आंसर क्या हो जाएगा, 10. आंसर क्या हो जाएगा, 10. आंसर क्या हो जाएगा, 10. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए. 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, मतलब तीनों का प्रोडक्ट का पावर में 1/3. अगर आप गौर से फरमाइएगा तो तीनों में 8 का जो फैक्टर है वो कॉमन है, तो हम 8 बाहर निकाल सकते हैं. तो अंदर क्या बचेगा, 1 × 3 × 5 ⁄3. 8 तो कॉमन था ना, उसको बाहर निकाल दिया, तो अल्टीमेटली मेरा क्या बचा, 8√15. क्योंकि क्यूब रूट से अगर कोई टर्म को बाहर निकालना है तो वो अंदर 3 बार होना पड़ेगा. तो 8 3 बार आ रहा था बोल के 8 बाहर आ गया, लेकिन बाकी सब तो एक एक बार ही आ रहा है इसलिए वो अंदर ही रह गया. तो आंसर क्या हो जाएगा, 8√15. वन इंटू थ्री इंटू फाइव होगा ये. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हार्मोनिक मीन नॉर्मल तरीके से तो निकालना आता ही आपको. चलिए इसका ट्रिक लिखिए, 2, 3, 5 हार्मोनिक मीन हम लोग कैलकुलेटर में कैसे निकालते हैं, चलिए बताइए. 2 ÷ 2, 3 ÷ 2, 5 ÷ 2. जितना भी वेरिएबल दिया रहेगा सबको डिवाइड इक्वल्स टू करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय जीटी को ट्वाइस इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा. जीटी को ट्वाइस दबाने के बाद इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा. 2 ÷ 3 ÷ 5 ÷ उसके बाद 3 ÷ GT ट्वाइस इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा. कितना आ रहा है, 2 बार टिपने के बाद इक्वल्स टू. कितना आया तुम्हारा, सारा स्टेप लिख दे, तुमने वो करना नहीं आ रहा है, जो फॉलो करो हम जो बोले वो फॉलो करो. 2 ÷ 2, 3 ÷ 5 ÷ 2, 3 ÷ दो बार जीटी इक्वल्स टू आया आंसर. कितना आ रहा है बहु, तुम्हारा कितना आया,
इतना दिन से कैलकुलेटर चलाना नहीं आया, तुम क्या सिखाएंगे तुमको आगे? 2.90 आंसर आएगा, देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। एम जी एम दो नंबर का दिया हुआ है, ठीक है, दो नंबर निकालने बोल रहा है, तो ऑप्शन तो अवेलेबल है ही मेरे पास। चलिए पहला वाला नंबर का एम कैसे निकालेंगे, 6 + 7/2, ठीक है, और दो नंबर का जीएम कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके रूट करते हैं। चलिए कैलकुलेटर में 6 × 7 = रूट करके देखिए, 6 आ रहा है, 6 × 7 = रूट, क्या आ रहा है, तो 6 point something आ रहा है ना, मतलब नहीं आ रहा है, 6 आना चाहिए। नेक्स्ट वाला ऑप्शन ट्राई करो, 9 × 4 = रूट, तो यही आंसर हो गया। ऑप्शन का जीएम निकाल के चेक कर लेना, 6 आ रहा है, क्यों मैं बता रहा हूं आपको, अरिथमेटिक मीन सबका 6.5 ही आ रहा है, चेक करके देख लो, सबको जोड़कर डिवाइड बाय 2 करो, सबका अरिथमेटिक मीन 6.5 आ रहा है, तो अरिथमेटिक मीन निकालने से आंसर नहीं निकलेगा, ज्योमेट्रिक मीन निकालने से समझ में आएगा आंसर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7, अरिथमेटिक मीन एंड एचएम दिया हुआ है, फॉर्मूला लिखो, AM into HM equals to GM square, तो 5 × 3.2 करो 16 आएगा, 5 × 3.2 करो 16 आएगा, उसको रूट कर दो जीएम आ गया, उसको रूट कर दो जीएम आ गया, ठीक है। चलिए चाहे क्वार्टाइल बोले चाहे डेसाइल बोले, सबसे पहले हमको छोटा से बड़ा अरेंज करना पड़ता है। चलिए पहले 8 नंबर को छोटा से बड़ा अरेंज करिए, क्या आ रहा है बताइए मेरे को, 10 के बाद 12, 15, 16, 18, 23, 20, ठीक है, n कितना अकाउंट करो, n 8 है, लिखो n = 8, तो q1 का फॉर्मूला क्या है, n + 1/4th term, मतलब 8 + 1/4th term, इसका मतलब 2.25th term आया, मतलब सेकेंड टर्म भी इन्वॉल्व है और थर्ड टर्म भी इन्वॉल्व है, तो 2.25th को कैसे लिखते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म प्लस 0.25 ब्रैकेट में थर्ड माइनस सेकेंड, 2.25 आएगा, 2.25 आएगा, तो कैसे लिखेंगे आप लोग, सेकेंड टर्म प्लस 0.25 ब्रैकेट में थर्ड माइनस सेकेंड, तो सेकेंड टर्म कितना आ रहा है, 12 प्लस 0.25 ब्रैकेट में 15 - 12, तो 12 प्लस 0.25 इंटू 3, 12 प्लस 0.25 इंटू 3 क्या आंसर होगा, 12.75 क्या आंसर होगा, 12.75, ठीक है। तो Q1 बोला है तो n + 1/4 हो जाता है, Q2 बोलता तो मीडियन, Q2 का मतलब मीडियन होता है, ठीक है, Q3 बोलता तो n + 1/4 × 3 हो जाता, क्वार्टाइल 4 पार्ट में डिवाइड करता है, इसीलिए डिवाइड बाय 4 हुआ है यहां पर। फटाफट करिए 8 नंबर, ठीक है। चलिए 9 नंबर अरेंज करिए फटाफट, 9 नंबर छोटा से बड़ा अरेंज करिए, 9 नंबर आप छोटा से बड़ा अरेंज करके बताइए मेरे को क्या क्या वैल्यू आएगा,
नाइन नंबर जो क्वेश्चन है जिसमें थर्ड डेसाइल निकालना है वो आप छोटा से बड़ा अरेंज करिए, 10, 12, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 15 के बाद 18, उसके बाद हाँ ठीक है, एन कितना है 8 है ठीक है। टी थ्री का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3n+1/10। बाई 10 क्यों हो रहा है, क्योंकि डेसाइल 10 पार्ट में बांटता है, डेसाइल कितना पार्ट में बांटता है, 10 पार्ट में बांटता है, तो 3 × 8+1/10 2.7th टर्म आ रहा है 3 × 8+1/10 सॉल्व करेगा तो 2.7th टर्म आ रहा है, तो 2.7th टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, सेकेंड टर्म प्लस 0.70, थर्ड माइनस सेकेंड, तो सेकेंड टर्म कितना है 10 प्लस 0.70, 11 - 10, 10 + 0.70 क्या आ गया 10.70, 10 + 0.70 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ देर आर टू ग्रुप्स 30 and 20 ऑब्जर्वेशन, ठीक है तो 30 मेरा यहां पर क्या हो गया N1 और 20 मेरा हो गया N2, 50, 60 वो लोग अरिथमेटिक मीन है, तो ये मेरा X1 बार हो गया और ये मेरा X2 बार हो गया, चलिए कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, N1 × X1 बार + N2 × X2 बार होल डिवाइडेड बाई N1 + N2, यही फॉर्मूला है। तो आपको अगर फॉर्मूला पुट करके करना रहेगा तो आप तो आराम से कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास है ही, डेटा है ही, मार्क करके मैंने लिखवाई दिया है, बट मैं आपको यहाँ पे टेक्निक सिखाना चाहता हूँ डायरेक्टली आप आंसर कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। 30 + 20 = 50 होता है ना, ये तो कर पाओगे खुद से, 30 + 20 क्या होता है 50, तो आपको क्या करना है 30 × 50 = कॉमा 20 × 60 = GT दो बार डिवाइडेड बाय 50 = देखो आंसर आ जाएगा 30 × 50 = जब भी कोई नया सम स्टार्ट करोगे कैलकुलेटर फ्रेशली ऑन करके स्टार्ट करोगे 30 × 50 = 20 × 60 = 30 × 50 = 20 × 60 = GT twice divided by 50 = कितना आ रहा है, वही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है, द एवरेज सैलरी ऑफ ए अनस्किल्ड लेबर कितना है 10,000 और स्किल्ड लेवल का 15,000, और आपको क्या पूछा है कंबाइंड सैलरी बोल दिया 12,000, ठीक है कैसे करना मैं बता दे रहा हूं आपको, अनस्किल्ड बाय स्किल्ड ऐसे लिखोगे, अनस्किल्ड बाय स्किल्ड लिखे इक्वल्स टू, जब जहां पर अनस्किल्ड लिखा है ना हा वहां पर क्या करना है आपको, ग्रुप जो स्किल्ड लेबर का जो मीन है उससे माइनस करना है एवरेज मीन, और जहां स्किल्ड लिखे हो वहां पे अनस्किल्ड का माइनस करना है,
ये ध्यान रखना बस, क्रॉस अनस्किल्ड जहां लिखे वहां पर दूसरे वाले के मीन से माइनस होगा, और स्किल्ड जहां लिखे वहां पर एवरेज से पहला वाला माइनस होगा। तो क्या आ रहा ऊपर में 3000/2000, तो तुम्हारा रेशियो आ गया 3:2, तुम्हारा रेशियो आ गया 3:2। अगर तीन लोग अनस्किल्ड है तो दो लोग स्किल्ड है, लेकिन हमसे यहां क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज ऑफ स्किल्ड अनस्किल्ड सॉरी अनस्किल्ड लेबर 3/5 × 100 60%, 3/5 × 100 60% सॉरी स्किल्ड पूछा है ना, तो परसेंटेज ऑफ स्किल्ड लेबर निकाल लो 2/5 × 100 40%। सर ये 3/5 2/5 कैसे आ रहा है, रेशियो 3:2 है तो नीचे टोटल रहता है 3+2 5। तो फॉर्मूला क्या हो गया, N1:N2 निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, ग्रुप 2 − combined / combined − group 1, यही तो किए हैं। बस ये ध्यान रखना, अगर ऊपर ग्रुप 1 है तो ग्रुप 2 से माइनस करना, और नीचे ग्रुप 1 है ग्रुप 2 है तो ग्रुप 1 से माइनस करना। हाँ ठीक है, यहां तो कोई मुसीबत कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालने बोला है, बोला है 75-65 वो लोग का हार्मोनिक मीन और 15 और 13 वो लोग का नंबर है। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम एक जगह में, N1 + N2 / N1 / H1 + N2 / H2। पहले तो फॉर्मूला लिख लिए, अब तुम मेरे को बताओ, ए ये हो गया मेरा H1, ये हो गया मेरा H2, ये हो गया मेरा N1, ये हो गया मेरा N2, है ना, यही तो हो गया। तो अगर हम डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं कैलकुलेटर में, अगर हम डिनोमिनेटर निकाल लेंगे कैलकुलेटर में तो आराम से निकाल पाएंगे आंसर। ठीक है, देखो ध्यान से मेरा बात देखना, 15 / 75 = GT2 रुक जाओ, ये करने के बाद 28 / GT2 देखो आंसर आ जाएगा। 28 कैसे आया, 15 + 13 करके, 15 / 75 = 13 / 65 = उसके बाद 28 / GT2 = देखो आंसर आया। हाँ वरना आपको जिसको दिक्कत होगा फॉर्मूला पुट करके अपना आंसर निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। N1 + N2 / N1 / H1 + N2 / H2 डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, अगर आपको शॉर्टकट में करना है तो ट्रिक मैंने बता दिया कि जितना भी N1 / H1 रहेगा पहले उसको डिवाइड करके इक्वल्स टू प्रेस करना है, फिर टोटल नंबर डिवाइडेड बाई GT2 = ठीक है। 13 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 1, 1/2, 1/3, 1/n जब भी नेचुरल नंबर्स का रेसिप्रोकल का हार्मोनिक मीन निकालने बोलेगा आंसर ये होगा 2/n + 1। चीज सोचिए अरिथमेटिक मीन ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n + 1/2, उसका उल्टा का हार्मोनिक मीन उसका उल्टा होगा 2/n + 1। अरिथमेटिक मीन ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n + 1/2, तो वेरिएबल्स का उल्टा का हार्मोनिक मीन अरिथमेटिक मीन का उल्टा होगा, वही तो डेफिनेशन भी बोलता है। What is harmonic mean? Harmonic mean is the arithmetic mean of the harmonic mean is the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the variables.
तुम चीज को आराम से सोचो, वेरिएबल्स का उल्टा का जो अरिथमेटिक मीन निकलता है उसका जो उल्टा होता है वो हार्मोनिक मीन होता है। तो 1 2 3 4 डॉट 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 एन का अरिथमेटिक मीन होता था n+1/2, ठीक है, उसका उल्टा क्या होगा 2/n+1, लेकिन 1 2 का नहीं, 1 1/2 1/3 1/4 होना चाहिए, 1 2 3 4 नहीं, 1 1/2 1/3, ठीक है। अच्छा, जब स्पीड निकालने बोलता है और डिस्टेंस कांस्टेंट है, सर डिस्टेंस कांस्टेंट मतलब यहां से वहां, वहां से यहां, तब हार्मोनिक मीन यूज करते हैं। तो 500 ÷ 700 ÷ 2 ÷ GT2 आंसर आ जाएगा, 500 ÷ 700 ÷ 2 ÷ GT2 = 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 583.33 आ रहा होगा आंसर, 583.33 आ रहा होगा आंसर। अच्छा, जब वेरिएबल भी नेचुरल नंबर रहता है, फ्रीक्वेंसी भी नेचुरल नंबर रहता है, तो अरिथमेटिक मीन का शॉर्टकट है 2n+1/3। अगर वेरिएबल में भी नेचुरल नंबर है, फ्रीक्वेंसी में भी नेचुरल नंबर है, तो अरिथमेटिक मीन का शॉर्टकट होता है 2n+1/3, और यहां पर n कितना है 5, पुट कर दो। जब वेरिएबल भी नेचुरल नंबर है और फ्रीक्वेंसी भी नेचुरल नंबर रहता है, इंस्टीट्यूट का मैट में इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है 2n+1/3, एन की जगह 5 पुट कर दीजिए। बोलिए, यहां तक क्लियर है? टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर गिवन बाय, दिया हुआ है, ठीक है, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, 16 17 18 वैसे ही करिए, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, एक्स की जगह 20 पुट करिए, 37 आएगा, यू की जगह 10 पुट करिए, एक्स की जगह 23 पुट करिए, सिक्सटीन सेवनटीन एटीन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का सम है। मैंने इसके पहले एक थ्योरी भी कराया था, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप रहता है वो लोग का, तो सिंपली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। 19 नंबर वाला आप जीएम का जब क्वेश्चन लिखे होंगे तो मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाया होगा कि जीएम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई, तो आंसर हो जाएगा 150, 15 × 10 = 150, जीएम ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई। एम एच एम 10 ऑब्जर्वेशन का 15, जब एम इक्वल्स टू जीएम इट हैज टू बी इक्वल्स टू एच एम, इफ एम इज इक्वल्स टू जीएम देन इट शुड बी इक्वल्स टू एच एम, इफ एम इक्वल्स टू जीएम इट शुड बी इक्वल्स टू एच एम। एम जीएम दोनों 15 है ना, तो एच एम भी 15 ही होगा, ठीक है। मीन और मीडियन निकालना है, मीन और मीडियन निकालना है। चलिए क्वेश्चन कॉपी करिए फटाफट कॉपी में। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोग क्वेश्चन। चलिए मेरे को बताइए मार्क्स क्या क्या दिया हुआ है। मार्क्स दिया हुआ है हम लोग को 5 to 14, 15 to 24, 25 से 34, 35 से 44, 45 से 54। चलिए फ्रीक्वेंसी बताइए। हाँ 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 कितना? हाँ चलिए एक्स निकालिए फटाफट। क्या आएगा आपका? 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, ठीक है। और आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। 10, 28, 60, 86, 100, 110। बस यही वर्किंग आपको कॉलम में करना, और कॉलम का कोई वर्किंग नहीं है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है बोला? मीन और मीडियन, मीन और मीडियन। तो मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। तो एफ का टोटल पता है, चली गया 110 है, जो लास्ट वाला सी एफ होता है वही क्या होता है हम लोग का एफ होता है। तो 10 × 9.5 इक्वल्स टू 18 × 19.5 इक्वल्स टू 32 × 29.5 इक्वल्स टू 26 × 39.5 इक्वल्स टू 14 × 49.5 इक्वल्स टू 10 × 59.5 इक्वल्स टू, दो बार जीटी डिवाइडेड बाय 110 इक्वल्स टू, मीन का आंसर आ जाएगा 10 × 9.5 इक्वल्स टू 18 × 19.5 इक्वल्स टू 32 × 29.5 इक्वल्स टू 26 × 39.5 इक्वल्स टू 14 × 49.5 इक्वल्स टू 10 × 59.5 इक्वल्स टू जी टी ट्वाइस डिवाइडेड बाई 110। कितना आ रहा मीन का आंसर? मीन का आंसर कितना आ रहा है? थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स एट आएगा मीन का आंसर। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? रैंक निकालना पड़ता है। रैंक होता है n बाई टू, 110/2, 55 आया। मीडियन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है? रैंक निकालना पड़ता है। रैंक का मतलब क्या हो गया? n बाई टू, 55, 55 कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ 28 और 60 के बीच में। तो ये मेरा क्या हो गया? मीडियन क्लास। जिसके बीच में लाई करता है उसके नीचे वाला क्या होता है? मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस n बाई टू, डू नॉट रिपीट, माइनस c बाई f इंटू आई। तो L1 बच्चा लोग गलती क्या करेगा? L1 को 25 ले लेगा, 25 नहीं लेगा। क्यों? कंटिन्यूअस नहीं है ना, तो क्लास बाउंड्री लेना है, 25 नहीं लेना है, 24.5 लेना है। L1 इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, तो 25 नहीं लेना, कंटिन्यूअस नहीं है ना। जब कंटिन्यूअस रहता है तो वो जो दिया रहता है वही वैल्यू, या नॉन कंटिन्यूअस है तो 25 की जगह क्या लेंगे? 24.5। C कौन सा हो गया? ये 28, ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसको C बोलते हैं।
और इसको एफ बोलते हैं, मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको एफ बोलते हैं। और आई यहां पर 10 का गैप है, गैप कितना है 10 का है, तो फॉर्मूला पुट करिए 24.5 प्लस 55 माइनस सी का वैल्यू क्या था 28 बाई 32 बाई 32 इंटू 10 24.50 प्लस 27 बाई 32 इंटू 10। सॉल्व करो इसको, 27 डिवाइड बाई 32 इंटू 10 प्लस 24.5, 27 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 10 प्लस 24.5 कितना 32 सही किया है। एक सेकंड रुक जाओ, मीन एंड मीडियन पूछा है ना, हाँ तुम लोग कितना आ रहा आंसर 32.94 ठीक है। बोली डर नहीं गला, चलिए क्वेश्चन नंबर टू। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और मीन और मोड निकालने बोला हम लोग को। तो क्लास इंटरवल में क्या क्या दिया हुआ है, 350 से 369, 370 से 389, 390 से 409, 410 से 429, 430 से 449 और 450 से 469। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया हुआ है, 13, 15, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है 15, 27, 31, 15, 27, 31, 19 और 6 ठीक है। सबसे पहले एक्स निकालते हैं हम लोग, 359.5, 379.5, 399.5, 419.5, 439.5, 459.5 ठीक है। और यहां पर मीन एंड मोड निकालने बोला है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का कोई जरूरत नहीं है, आपसी फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लीजिए। आपसी फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना, फ्रीक्वेंसी का टोटल करने बोल रहे हैं, चलिए मीन निकालिए फटाफट, 15 इंटू 359.50 इक्वल्स टू 27 इंटू 379.50 इक्वल्स टू 31 इंटू 399.50 इक्वल्स टू 19 इंटू 419.50 इक्वल्स टू 13 इंटू 429.50 इक्वल्स टू 6 इंटू 459.50 इक्वल्स टू GT ट्वाइस डिवाइडेड बाई 111 इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा आपका मीन का।
आंसर आ जाएगा आपका मीन का। कितना आ रहा है? छोड़ दो, घर में कर लेना। तो ये स्टेप फॉलो करेगा तो आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा तुम्हारा 400.58 मीन का आंसर। 400.58 मीन का आंसर आएगा। ठीक है, चलो मोड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। मोड इक्वल्स टू L1 प्लस F0 माइनस F1 बाय 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इनटू I। L1 प्लस F0 माइनस F1 बाय 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इनटू I। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को F0 बोलते हैं, उसके ऊपर वाला को F1 और नीचे वाले को F2। तो 31 यहां पर हाईएस्ट है, 27 ऊपर वाला हो गया और 19 नीचे वाला हो गया। और फिर से ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो 390 को हम लोग क्या लिखेंगे? 389.5। तो 389.50 प्लस 31 माइनस 27 बाई 2 इंटू 31 माइनस 27 माइनस 19 इंटू 20। यहां पर आई का वैल्यू 20 होगा। गैप देखिए, 20-20 का गैप है। तो 389.50 प्लस 4 इंटू 20 बाई 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 394.50। आपका आंसर आ जाएगा 394.50। आंसर आ जाएगा 394.50। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो ये बिलो लेस देन टाइप सीरीज है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेस देन टाइप सीरीज बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन टाइप सीरीज। तो बिलो 5, बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 है। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी दिया रहता है ना, ये फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। लेस देन टाइप सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी दिया रहता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप है। जो आप मीडियन में निकालते हो ना CF, वो दिया हुआ है आपको यहां पर। तो सर देखिए, बिलो 5, बिलो 10, बिलो 15 सब में 5-5 का गैप है। तो हम लोग क्लास इंटरवल क्या बनाएंगे? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। और फ्रीक्वेंसी का कॉलम खाली छोड़ के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ वो लिखेंगे। 10, 25, 45, 10, 25, 45, 55, 62, 65, 55, 62 एंड 65, 55, 62 एंड 65। तो क्यों फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? पहला वाला तो पहला वाला ही रहेगा, फिर माइनस कर करके, फिर माइनस कर करके। तो सबसे पहले मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन के लिए हमको चाहिए रैंक, मतलब n बाय 2। 65 बाय 2 करने से 32.5 आ रहा है,
मतलब ई वाला बॉक्स मेरा मीडियन क्लास हो गया, ये वाला बॉक्स मेरा मीडियन क्लास हो गया, तो एल वन प्लस एन बाई टू माइनस सी बाई एफ इन टू आई। अब ये कंटिन्यूअस है, यहां पे एल वन टेन ही होगा, सी तुम्हारा 25 है, ये 20 इंटू फाइव, तो 10 प्लस 7.5 इंटू फाइव बाई 20। बताइए आंसर कितना आ रहा है। 7.5 इंटू फाइव डिवाइडेड बाई 20 प्लस 10। जैसे हम बोल रहे वैसे सॉल्व करिए, आप लोग कैलकुलेटर में टाइप करिए 7.5 इंटू फाइव डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10, आंसर तो आ रहा है। हाँ हो गया, इतना टाइम क्यों लग रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट मोड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 20। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एफ जीरो, ऊपर वाला एफ वन, नीचे वाला एफ टू, एल वन प्लस एफ जीरो माइनस एफ वन बाई टू इंटू एफ जीरो माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू आई। तो टेन प्लस फाइव इंटू फिफ्टीन बाई फिफ्टीन, 15 आ गया। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 20 माइनस 15 5 ऊपर में, सॉरी 5 इंटू 5 बाई 15 होगा, तो 25 बाई 15 करो कितना होता है, 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 15 प्लस 10। तो 11.667 आ रहा होगा। अब ये सब जो भी वैल्यू दिया हुआ सब रुपीज इन थाउजेंड है, तो एक्चुअल आंसर निकालने के लिए, एक्चुअल आंसर निकालने के लिए इंटू 1000 कर दीजिएगा, एक्चुअल आंसर निकालने के लिए इंटू 1000 कर दीजिएगा, एक्चुअल आंसर निकालने के लिए इंटू 1000 कर दीजिएगा। ठीक है, एक्चुअल आंसर निकालने के लिए इंटू 1000 कर दीजिएगा। तो पहला वाला का आंसर आएगा 11875 और दूसरा वाला का आंसर आएगा 11667। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मॉडल मार्क्स एज 44। मार्क्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का। मॉडल मार्क्स 44 है, इसका मतलब मॉडल क्लास इज 42 60। लिखिए, सिंस मॉडल मार्क्स इज 44, therefore model class is 40 to 60। अब जब model class 40 to 60 है तो F0 दिया हुआ नहीं है, उसको x पकड़ लो, F1 उसके ऊपर वाला मतलब 18 और F2 उसके नीचे वाला मतलब 12। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? L1 प्लस एफ जीरो माइनस एफ वन बाई टू एफ जीरो माइनस एफ वन माइनस एफ टू इन टू आई, ये मेरा मोड का फॉर्मूला है। तो 44 इक्वल्स टू 40 प्लस एक्स माइनस 18 बाई टू एक्स माइनस 18 माइनस 12 इंटू 20। मोड दिया हुआ है 44, सिर्फ अपने को एफ जीरो का वैल्यू नहीं पता। अब सॉल्व करने का भी एक टेक्निक होता है, पहले इस 40 को वहां लेके जाइए, तो 4 बचेगा इक्वल्स टू 20 एक्स माइनस 18 और नीचे आ जा रहा है 2 कॉमन लेकर के, क्या 2 कॉमन मत लो, रहने दो, 2x माइनस 30 आ जा रहा है, 2x माइनस 30 आ जा रहा है, और ये 4 से ये 20 कट के 5 हो जाएगा,
2x माइनस 30 इक्वल्स टू 5x माइनस 90, 2x माइनस 30 इक्वल्स टू 5x माइनस 90, और 3x इक्वल्स टू 60, मेरा x का आंसर आ गया 20, मेरा x का आंसर आ गया 20। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये तो मेरे को x का आंसर निकला है ना, अब हमको मीन निकालने बोला है, तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ये क्लास इंटरवल बना, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 18, 20 अभी कैलकुलेट किए हैं, 12 और 5, इसका टोटल मारो, 28, 40, 60, देखो 60 आ रहा होगा इसका टोटल, ये मेरा F है, टोटल चेक करो 60 आ रहा है, तो मीन निकालने के लिए X चाहिए, बस 5 इंटू 10 इक्वल्स टू 18 इंटू 30 इक्वल्स टू 20 इंटू 50 इक्वल्स टू 12 इंटू 70 इक्वल्स टू 5 इंटू 90 इक्वल्स टू GT twice डिवाइडेड बाई 60 इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा आपका। पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल के ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट करना था, उसके बाद फिर मीन का आंसर निकालना था। पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद मीन का आंसर निकालना था, उसके बाद मीन का आंसर निकालना था। ठीक है, कितना रहा आंसर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर टाइप का पहले करिए। आपका मोड बोल दिया 66, सिंस मोड इज इक्वल टू 66 देयरफॉर मॉडल क्लास कितना आएगा बताइए, मॉडल क्लास कितना आएगा 60 से 70, तो F0 विल बी 28, F1 विल बी 22 और F2 यहां पर मिसिंग है, उसको X पकड़ेंगे, मॉडल क्लास 66 है मतलब मॉडल मॉडल मोड 66 से मॉडल क्लास क्या हो गया 60 से 70, तो F0 28, F1 22, F2 X, चलिए 66 इक्वल्स टू 60 प्लस 28 माइनस 20 बाई 2 इंटू 28 माइनस 22 माइनस एक्स इंटू 10 और 6 इक्वल्स टू 6 इंटू 10 बाई 34 माइनस एक्स, 6 6 कैंसिल और 34 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 और एक्स इक्वल्स टू 24, 34 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू 24 और x इक्वल्स टू 24 और x इक्वल्स टू 24, ठीक है अभी सम्स खत्म नहीं हो, मीडियन निकालना है इसमें, चलिए 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और क्या दिया हुआ है 80 से 90, फ्रीक्वेंसी में क्या क्या दिया हुआ है 8, 16, 22, 28, 16, 22, 28, 24 और लास्ट वाला कितना है 12, चलिए सी एफ निकालिए 8, 24, 46, 74, 98, 110, करेक्ट, चेक कर लीजिए मेरा कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है, तो अगर मीडियन निकालना था सबसे पहले रैंक, और रैंक का फॉर्मूला क्या है n बाई टू
110 बाई 2 मतलब 55, 55 बोले तो ये, 55 बोले तो ये, ऊपर वाला को सी मार्क कर देंगे, इसको एफ, एल वन प्लस एन बाई टू माइनस सी बाई एफ इन टू आई, 60 प्लस 55 माइनस 46 बाई 28 इन टू 10, तो 55 माइनस 46 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 60, 55 माइनस 46 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 60, 63.21, वेरी गुड. मैंने कहा 55 माइनस 46 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 60. आपने क्या किया आपको पता नहीं, तो आंसर क्या आएगा 63. श्योर है, वापस करके देखो तो 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 60. कितना आ रहा है 63. कैलकुलेटर दो, पीछे का और कैलकुलेटर किसका पढ़ा दो ना वो. फिफ्टी फाइव माइनस 46 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 60, 63.21 आंसर है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को बोल दिया टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है और मीडियन बोल दिया कितना 32. तो क्वेश्चन क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, उसके बाद 40 से 50, 50 से 60, यही है ना. देख लीजिए आप, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60. ये मेरा क्लास इंटरवल दिया हुआ है. फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 10 कुछ नहीं है, उसको आप x पकड़ लीजिए, फिर ये 25, फिर 30, फिर y और लास्ट वाला विल बी 10. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 10, 10 प्लस x, 35 प्लस x, 65 प्लस x, 65 प्लस x प्लस y, 75 प्लस x प्लस y. ये मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया, ये मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया. ठीक है, अब ये मेरा मीडियन क्लास होगा. कैसे सर, क्योंकि हम लोग को क्या बोला है, मीडियन मार्क्स इज 32, तो 30 से 40 के बीच में लाई कर रहा है. ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 इज इक्वल्स टू 30 प्लस एन बाई टू माइनस सी बाई एफ इंटू आई इंटू 10 लिखा मैंने. एन 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 100 पीपल्स मतलब टोटल, इसका टोटल क्वेश्चन में बोल दिया 100, इसका टोटल क्वेश्चन में बोल दिया 100. चलिए इसको वहां लेके जाएंगे तो क्या होगा, 2 इक्वल्स टू 50 माइनस 35 माइनस एक्स बाई थ्री. सर बाई थ्री कैसे लिखे आपने, 10 30 कट गया और 6 इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स और एक्स इक्वल्स टू 9. सर जब एक्स आपका 9 आया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 75 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100 और 100 माइनस 75 माइनस 9 इक्वल्स टू वाई. 100 माइनस 75 माइनस 9 इक्वल्स टू वाई, 16 आ रहा है, 16 आ रहा है. एक्स आपका 9 आ गया, वाई 16 आ गया. अभी भी संतुष्टि नहीं हुआ ये लोग को, क्या निकालने बोला है,
क्या निकालने बोला है? मीन मार्क निकालने बोला है, ठीक है? क्या निकालने बोला है? मीन मार्क। चलिए क्वेश्चन क्या था, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और फ्रीक्वेंसी में क्या क्या आया था हम लोग का, 10, 9, 25, 30, 16 और 10। मिड वैल्यू क्या आएगा? यही आएगा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू आ गया और टोटल पता है 100 है, टोटल पता है 100 है। चलिए हो गया, 10 into 5 equals to 9 into 15 equals to 25 into 25 equals to 30 into 35 equals to 16 into 45 equals to 10 into 55 equals to। GT twice divided by 100 equals to, कितना आ रहा है? 31.30, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बोला है वही क्लास इंटरवल दिया हुआ है, लेस देन 10, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 और 50 से 59। ये 5, 18, 38, 20, 9 और 2 हम लोगों को थर्ड क्वार्टाइल और 65th परसेंटाइल निकालने बोला गया है। सुनो मेरा बात ध्यान से, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। पहला बात तो ये लेस देन टाइप सीरीज नहीं है। तुम लोग तो लेस देन देखते ही बोल देगा लेस देन टाइप सीरीज, साफ साफ लिख लो, दिस इज नॉट अ लेस देन टाइप सीरीज, दिस इज अ ओपन एंड क्लासिफिकेशन, दिस इज अ टाइप ऑफ ओपन एंड क्लासिफिकेशन विथ ओपन। क्यों देखो कहां से शुरू हो रहा है वो नहीं पता, लेस देन 10 में तो 9, 8, 7 कुछ भी हो सकता है, बट इस टाइप का जब भी सिचुएशन आता है तब क्वार्टाइल परसेंटाइल आराम से निकल जाएगा, कोई घबराने वाला बात नहीं है। सीएफ निकालना पड़ेगा हम लोग को, सीएफ निकाल लिए, लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, कैपिटल एन। पहले तो ये लिखना है कि दिस इज नॉट अ लेस देन टाइप सीरीज, दिस इज अ ओपन एंड क्लासिफिकेशन, दिस इज नॉट अ लेस देन टाइप सीरीज, दिस इज अ ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। Q3 क्या होगा, 3n/4, तो 3 into 92/4 क्या 69, 69 बोले तो ये वाला है ना, 69 कहां लाइक कर रहा है, 61 और 81 के बीच पे, तो हमारा क्वार्टाइल क्लास क्या हो जाएगा, 30 से 39। तो Q3 equals to 29.50 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है, वेरी गुड। 69 minus 61 by 20 into 10, तो 29.50 plus 8 into 10 by 20,
तो 33.50 मेरा Q3 का आंसर आ गया, 33.50 मेरा Q3 का आंसर आ गया, 33.50 मेरा Q3 का आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, 65 परसेंटाइल निकालना है, मतलब P65 का मतलब 65N/100 परसेंटाइल में मैंने पहले ही कहा था आपको, क्या करना पड़ेगा आपको, फिफ्टी आ रहा है, मतलब ये वाला क्लास 59.8 का मतलब क्या, 20 से 29, है ना, तो P65 क्या हो जाएगा, 19.50 प्लस 59.8 माइनस 23/38 इंटू 10, ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन एट आंसर आएगा। मैंने आपको बहुत ही सिंपल टेक्निक बताया है, देखिए मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल का जब ग्रुप सीरीज आता है वो सबका फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस ए माइनस बी, यही तो आता है, ऐसा ही तो रहता है फॉर्मूला, समथिंग प्लस ए माइनस बी बाई सी इंटू डी। आप नॉर्मली पहले क्या करोगे कैलकुलेटर में, ए माइनस बी इंटू डी डिवाइडेड बाई सी प्लस L1 इक्वल्स टू, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों इतना चाप लेते हैं आप, करके देखिए आप ये स्टेप फॉलो कर, सारा सम्स का आंसर आएगा, 59.8 माइनस 23 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 38 प्लस 19.5 इक्वल्स टू, खत्म, आंसर आना ही आना है आपका। ठीक है, तो सारा सम्स हो गया लेकिन एक सम बचा हुआ है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है, देखिए ध्यान से, 20 वर्कर है, मतलब यहां पर n का वैल्यू क्या हो गया 20, मतलब समेशन f का वैल्यू क्या हो गया यहां पर 20, लिखिए 20 वर्कर्स का मतलब क्या होता है, समेशन f, ठीक है, आपको यहां पर एवरेज बोनस निकालने बोला गया है, एवरेज बोनस का मतलब समझते हैं आप बात को, एवरेज बोनस का मतलब होता है कि आपका यहां पर बोनस विल बी ट्रीटेड एज एक्स। इस सम से हम दो चीज निकाल सकते हैं, एक एवरेज वेजेस और एक एवरेज बोनस, तो हमको यहां पे क्या बोला गया, एवरेज बोनस निकालने, तो एक्स वाला कॉलम में क्या जाएगा, एक्स वाले कॉलम में क्या जाएगा, एवरेज मतलब बोनस जाएगा, ठीक है। तो बोलता क्या है, देखो ध्यान से मेरा बात सुनो, बोल रहा है आपको पहले क्लास इंटरवल बनाना है, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75, ठीक है, आपने क्लास इंटरवल बना लिया। अब जब टैली मार्क्स निकालते हैं तो 55 कौन सा वाले मिलेंगे, नीचे वाले मिलेंगे 55, कंटिन्यूअस क्लास सीरीज में अपर क्लास लिमिट इज एक्सक्लूडेड, तो ठीक है, आप 50 से 54 खोजिए पहले, कितना टो है, 50 53 और कुछ दिख रहा है आपको, तीन ही टो है ना, 50 से 54 में कितना वैल्यू है, तीन ही वैल्यू है, यहां 3 लिख दीजिए। अब 55 से 59 खोजिए, 55 से 59 1 2 3 4 5, अब 60 से 64 1
दो तीन चार पांच छः। अब 65 से 69, एक दो तीन। 70 से 74, एक दो, मतलब ये चार होगा। और बोनस दिया हुआ आपको 100, 200, 300, 400 और 500, और इसका टोटल भी पता है 20 है। बस निकाल लीजिए, 3 × 100 = 5 × 200 = 6 × 300 = 4 × 400 = 2 × 500 = GT2 ice / 20 = 2। आंसर आएगा 285।